तो खेल होता है पकड़न पकड़ाई का, दूसरा खेल होता है बांधा बंधाई का। अब इस खेल का निर्माण जो है और शुरुआत जो है ये सेट पर शुरू हुई इश्क पे मरजावा के। जी हाँ, क्योंकि ये खेल यहीं पर तो खेला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ दीप ने जहाँ असली आरोही को बांध दिया, वहीं नकली आरोही ने दीप की मौसी को बांध दिया। अब ये बांध बांध कर कौन सा खेल खेलना चाहते हैं भैया, ये तो ये ही जाने। दीप पर सवार है आरोही को बर्बाद करने का जुनून। आरोही को तकलीफ पहुंचाने के लिए दीप आज कुछ भी कर जाएगा। आरोही को मिल रही ये सजा दीप का वो गुस्सा है जो आरोही को उसकी जासूसी करने पर भुगतना पड़ रहा है। दीप आरोही इज लाइक द सीरियस टॉम एंड जेरी, एक दूसरे को, इट्स अ कैट एंड माउस चेस, हमेशा एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। और नॉट एक दूसरे के, एक्चुअली दीप ने ही सब कुछ प्लान किया हुआ है, सो आरोही इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड एवरीथिंग आउट, तो वो प्रॉब्लम है, तो उस वजह से दोनों मैन हैंडल करते ही रहते हैं। आरोही को असली आरोही ना मानने की जिद है कि दीप का पीछा नहीं छोड़ रही, तो वहीं दीप की जासूसी करके आरोही अपनी बात को साबित करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन दीप उसे पकड़ ही लेता है और कुर्सी से बांध देता है। क्योंकि आरोही उसके पीछे जाती है, उसके प्लान्स जानने की कोशिश कर रही है छुप छुप के, शी इज स्पाइंग ऑन हिम, तो पकड़ लेता है वो दीप उसको और फिर उठा के बांध देता है कि डू नॉट कम आफ्टर मी, तो अब वो चला जाता है। लेकिन आरोही बीइंग आरोही वो कहां मानने वाली है। कई देर तक आरोही कोशिश करती है कि वो खुद को कुर्सी से छुड़ा ले, और आखिरकार बड़ी देर बाद कश्यप आता है और आरोही की मदद करता है। सुबह जाके कोई आके उसको रेस्क्यू करता है कश्यप उसका, उसके बाद ना, और आरोही फिर भी नहीं मानेगी पूरी, और उसके पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द है बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट, तो वो भी उसकी दवाइयाँ होगा, लेकिन मानना उसे तब भी नहीं। अभी वो फिर दीप के पीछे भागेगी, फिर उसका पूरा प्लान पता करने की कोशिश करेगी। सर, इतनी मुश्किलों के बाद भी आपकी खुददारी को मानना पड़ेगा आरोही। आपने कश्यप को अपनी मदद करने की बजाय जाने के लिए कह दिया और खुद ही दीप का पीछा करने की ठान ली, क्या बात है। इससे पहले तो भैया कोई देख ले, तुम यहाँ से प्लीज जाओ। एक तरफ दीप ने गुस्से में असली आरोही को बांध दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ असली तारा और नकली आरोही ने दीप की मौसी को कुर्सी से बांध दिया, क्योंकि वो तारा की सच्चाई जान चुकी थी। कोई है? कोई है? वो तो भला हो दीप का कि वो एंड मौके पर वहाँ पहुँचा और उसने अपनी मौसी को छुड़ा लिया, और उसके बाद मौसी ने दीप को बताई राज की वो बात जिसे सुनकर दीप के होश उड़ गए। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब आगे क्या करना है तुम बताओ। शायद दीप अब ये जान चुका है कि असली आरोही नकली है और नकली आरोही ही दरअसल असली आरोही है, तो असली वाली आरोही जी, उम्मीद करते हैं कि इस गणेश उत्सव में आपके सारे विघ्न दूर हो और अंत में आप और दीप एक हो जाए। मुंबई से गलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।